डॉक्टर प्रतिभा सिंह, कांग्रेस संभागीय प्रवक्ता ने सिमरिया विधानसभा के गांव में जाकर महिलाओं से मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल भी पूछा। इस महंगाई के दौर में कैसे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, निरंतर घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। घरेलू गैस का प्राइस 1150 रुपये है। इतनी महंगाई में गरीब परिवार हर महीने 1150 रुपये की गैस भरवाना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। महिलाओं से चर्चा करते हुए अभी बताया कि एक बार उज्ज्वला योजना के तहत मिले घरेलू गैस का उपयोग होने के बाद दूसरी बार इतनी महंगाई के चलते उस घरेलू गैस को वह कभी भरवा नहीं पाए और पूरे गांव में ऐसे अनगिनत परिवार हैं। वहीं डॉक्टर प्रतिभा ने महिलाओं को यह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है, कांग्रेस की सरकार बनने पर घरेलू गैस 500 रुपये में देंगे और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये खाते में डाले जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो एक बार फिर से गैस के प्राइस बढ़ा दिए हैं और कमर्शियल गैस का प्राइस 350 रुपए और घरेलू गैस का प्राइस 50 रुपए बढ़ा दिया है, जिससे घर घर में जो एक योजना लाई गई थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गैस सिलेंडर सबको बांटे गए थे फ्री में और लोगों को सहूलियत प्रोवाइड की गई थी, लेकिन आज मैं लोगों में गांव में आकर गांव की महिलाओं से मिल रही हूं और उनसे बातें कर रही हूं, तब आप सही बात को जान पाएंगे कि वो बता रही हैं कि उन्होंने एक बार सिलेंडर लेने के बाद दोबारा वो सिलेंडर वो कभी भरवा ही नहीं पाए और निरंतर सरकार प्राइस बढ़ाती जा रही है। क्या कहना है आप लोगों का? अरे लोग का करियन पचन के मजबूरी बनी है, मजबूरिया मनाई धाओ पेटक देखी धाओ गैस की भरवाई का करी जो मिली तो यूज कैलीस फैल गए पारी महंगाई में नहीं इतनी महंगाई मजदूर में नहीं कहाँ पावे लड़का बच्चा लड़के बच्चे पाल है धाओ ता गैस खराब है कहाँ पावे में नहीं करे इतनी महंगाई लालच दे पचन का हो गया भरवाई की हो गया फिरिंग भरारी नहीं लागे तो मनी भरवा के धाई जी से व्यापारी भराई पैसा आई बचत में आई पैसा खाता में आई कुछ तो नहीं आवे मनाई के बचत कहीं महीना में आई खाता में पैसा मेहरियन के तब आज तक तो देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से लोग एक बार मोदी सरकार ने कहा था और उनके ये वादे थे कि वो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा के इस चूल्हे के धुएं से महिलाओं को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन आज भी उनकी कही हुई कोई बात सही नहीं हो रही और आज भी महिलाएं इसी चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। ये मैं गाँव के एक परिवार में आई हूँ और आप स्थिति देख सकते हैं कि ये गैस रखी हुई है खाना बनाने के लिए, गैस सिलेंडर है ठीक है, जो कि यूजफुल नहीं है, यूज नहीं होता क्योंकि ये गैस भरवाई नहीं गई है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है। इनका कहना है कि 1100-1200 रुपए की गैस भरवाने की हमारी हिम्मत नहीं है, इतना उनके पास इतनी कमाई नहीं है कि वो गैस भरवा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हे में खाना बन रहा है। अब हम पचे आधार मनाई है चूल्हे में बना रहे हैं, अब गैस ऐसे रखा है, अब रुपया के कहाँ पाई कि हम गैस भराई। धान है तो मशीन से कटा लेते हार्वेस्टर से, गेहूँ कटा लेते हार्वेस्टर से, मैंने मजूरी नहीं कर पावे कि चलो मजूरी करके भराई। अब दूसरा की मजूरी करें तो वह खर्चा चला, निर्मा साबुन हो गए पैसे नहीं पूजे तो अंततः इनका कहना ये है कि आमदनी ही नहीं है उतनी और जितने की गैस महंगाई है तो आमदनी ही नहीं हो रही, जितना उनके पास आमदनी नहीं है, पैसा कमाई नहीं है, उससे ज्यादा उनकी महंगाई है, गैस का प्राइस उससे ज्यादा है और घरेलू सामग्रियां इतनी महंगी है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी ये अपील है सरकार से कि समझे सरकार और गैस के प्राइस को और महंगाई को थोड़ा कम करें। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।